नमस्कार, खटपट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सीना। आप देख रहे हैं प्रदेश की दिन भर की खबरें फटाफट अंदाज में। विधानसभा सचिव चंद्रशेखर गंगराडी ने विधानसभा में ध्वजारोहण किया। सचिव गंगराडी ने संदेश वाचन में कहा कि भारत के संविधान की उद्देशिका में ये उल्लेखित है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इसलिए हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हम इस संविधान में वर्णित प्रावधानों का पूरी निष्ठा और लगन से पालन करें। तिलवाना थाना इलाके के मरीन ड्राइव स्थित अर्था कैफे कैनियन नाइट में देर रात शराब पार्टी चल रही थी, जहां पुलिस ने दबिश देकर कैफे मैनेजर श्याम सिक्का को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी के मरीन ड्राइव स्थित अर्था कैफे कैनियन नाइट में अवैध रूप से देर रात शराब पिलाई जा रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद कैफे में दबिश देकर कैफे के मैनेजर श्याम सिक्का को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या गोलीकांड की घटना से सनसनी फैल गई है। लूट के इरादे से ज्वेलरी शॉप में घुसे छह नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी कारोबारी को गोली मार दी। गंभीर हालत में कारोबारी को इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक सोमवार की शाम करीब 8 बजे सकरी थाना क्षेत्र स्थित सतीश श्री ज्वेलर शॉप में छह नकाबपोश बदमाश लूट की नीयत से घुसे थे। छत्तीसगढ़ में देश के 72वें गणतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। सरकारी कार्यालय संस्थानों के अलावा नागरिक संगठनों प्रतिष्ठानों और सामुदायिक भवनों में तिरंगा फहराया गया, देशभक्ति के गाने गाए गए और मिठाई बांटी गई। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में हुआ। यहां राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ध्वजारोहण किया। पुलिस बैंड ने जनगणमन धुन बजाई और हवाओं में फूलों की पंखुड़ियां बिखेरी गई। राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों ने राष्ट्रीय ध्वज और राज्य की संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए खटपट न्यूज के साथ। नमस्कार।